बीजेपी के साथ कौन सा चेहरा कम्पीट कर पाएगा? नहीं मैं समझता हूँ कि वो ये अच्छी फाइट होगी इस सीट के ऊपर, और ये एक वैसे भी 8 सीट बन चुकी है। अब अगर गुलाम नबी साहब लड़ेंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा चेहरा है, वो भी कम्पीट कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती भी करेगी, मियाँ साहब भी करेंगे, मियाँ साहब का भी यहाँ पर एक नाम है, वो भी करेंगे। एक लड़ाई बराबर की होगी, जिसको पीर पंजाल रीजन सपोर्ट करेगा वही जीतेगा। पीर पंजाल की आवाम लगातार ये इंतज़ार में है कि भाजपा की तरफ से कौन सा चेहरा पीर पंजाल की तरफ से लड़ेगा, और कुछ लीडर भी ये इंतज़ार में है कि भाजपा किस कैंडिडेट को आगे उतारती है मैदान में। लेकिन अभी तक भाजपा की ओर से कोई ऐसा चेहरा नहीं सामने आया। कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि भाजपा हो सकता है कि इस बार इनकी सपोर्ट करे, लेकिन ये अभी भी इस चीज़ को हम देख सकते हैं इस नज़रिए से कि अभी भी डाउट में है कुछ लोग भी, और जो पार्टियां हैं वो भी डाउट में हैं कि क्या भाजपा इस बार क्या करने जा रही है। 19 तारीख की जो डेट है वो लास्ट है नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने की, और 19 करीब आ चुकी है, लेकिन अभी तक जो कैंडिडेट है वो सामने नहीं आया। मज़ीद हम समझने की कोशिश करेंगे बीजेपी लीडर सुनील गुप्ता जी से। गुप्ता साहब, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। धन्यवाद। बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई चेहरा क्यों नहीं सामने आया? क्या बीजेपी करना क्या चाह रही है इस पर? क्या दुख है, बीजेपी किसी दूसरी पार्टी की सपोर्ट करेगी? आखिर चल क्या रहा है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन जमात है, अनुशासन पार्टी है। हमारा जो चुनाव का जो जितना भी मुद्दा है वो केंद्रीय नेतृत्व करता है, जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वही होगा। वो किसको चुनाव लड़ाएंगे, किसको नहीं लड़ाएंगे, पार्टी खुद लड़ेगी या पार्टी किसी की सपोर्ट करेगी, ये सारा कुछ सेंटर के ऊपर डिपेंडेड है, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है। जो भी फैसला होगा हम सारे पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, उसी के साथ चलेंगे। अब आज या कल जो भी फैसला होगा वो हो जाएगा, क्योंकि 19 तारीख को लास्ट डेट है। जो भी फैसला होगा वो आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि पार्टी ने चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है, चाहे खुद लड़ेंगे या किसी को लड़ाएंगे या सपोर्ट करेंगे किसी की, ये सारा कुछ हमारे सामने आ जाएगा। इसलिए हमें आज का दिन हमें इंतज़ार करना चाहिए, और कल तक सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसलिए इस बार का जो चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि जो भाजपा ने नारा दिया 400 पार, उसके लिए तो हमें लड़ना ही पड़ेगा या किसी की सपोर्ट करनी पड़ेगी। गुप्ता साहब, ये चीज़ में समझने की कोशिश करूँगा, क्या इस बार क्या लग रहा है टफ कंपटीशन होने वाला है? ऐसा है कि जहाँ तक मेरी इतनी उम्र है, जो सियासी हमने इलेक्शन देखा है, मैंने 77 में भी इलेक्शन देखा है, 80 में हमने पार्टी की एजेंडी की है। ये इतिहास के अंदर, ये दुनिया के अंदर पहला चुनाव होने जा रहा है जिसका रिजल्ट पूरी दुनिया को पता है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, और बड़े बहुमत के साथ बनाने जा रही है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, अब की बार 400 पार, 370 भारतीय जनता पार्टी की और 400 अलायंस के साथ हमारी सीटें आने वाली हैं, उसमें किसी भी एक भी सीट की कमी नहीं होगी, हम 400 के ऊपर जाने वाले होंगे। अगर आपने पिछले दिनों देखा होगा, मैंने पिछले 10-12 दिन से देखा, लगातार पिछले 2 महीने से जो पोल एनालिसिस, पोल सर्वे आ रहा है, प्रेडिक्शन आ रही है, भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस को 400 के लगभग उसके करीब जाता है। कोई भी पोल प्रेडिक्शन 390 से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे रहा है। इस समय जो एक इलेक्शन हो रहा है वो हमने देखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया उसको 400 पार करेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी सरकार बनने जा रही है। इसमें आप अपोजिशन से भी बात करो, किसी से भी बात करो, उसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि सबसे जो बड़ी बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 10 साल काम किए, हमारा अगर आप पिछला मैनिफेस्टो उठाकर देख लेंगे 2014 का या उससे पहले वाला, हमने जितने वायदे किए थे सब पूरे किए हैं। देखिए, इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, ये मुल्क को और आगे ले जाने वाला चुनाव है, ये गरीब के लिए चुनाव है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर गरीब को मकान मिलेगा, 4 करोड़ मकान हमने पहले दे दिए हैं, 3 करोड़ मकान और मिलने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि अगर हर गरीब के ऊपर, सर के ऊपर छत आ जाएगा, उसके घर में नल आ जाएगा, उसके घर में बिजली आ जाएगी, कम से कम जो गरीब बेघर है, जहाँ उसको रहने के पास जगह नहीं है, मैं समझता हूँ कि उससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। गुप्ता साहब, इस बार तो कहा ये जा रहा है कुछ लीडर और कुछ ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को जम्मू कश्मीर से रोल बैक करना है। ऐसा है कि जो हमें कहते हैं रोल बैक करना है, आप मुझे बता दो, मैं सिर्फ सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि जब जो उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि बीजेपी को रोल बैक करना है, कि अगर बीजेपी की जमानत नहीं जब्त कराई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ उनसे सिर्फ एक ही प्रश्न करना चाहता हूं, जिस चौधरी लाल सिंह की सपोर्ट में आज वो लगे हुए हैं, तो उसी जब रसाना वाला कांड हुआ था तो उस समय ये PDP महबूबा मुफ्ती साहब क्या कहते थे, ये उमर अब्दुल्ला साहब क्या कहते थे, ये सोचते हैं कि ये जो बातें करते हैं ये कहकर भूल जाते हैं, लेकिन आज लोग नहीं भूलते हैं। लोगों ने ये सारा कुछ देखा हुआ है। जब यहाँ पर मिलिटेंसी पीक पर आई, जब फारूक अब्दुल्ला साहब की यहाँ पर हुकूमत थी, तो वो लोगों को छोड़कर इंग्लैंड में चले गए थे।
क्या लोगों को ये नहीं लगता है कि ये जो लोग मुसीबत में हमें छोड़कर भाग सकते हैं, ये हमें छोड़कर जा सकते हैं, तो आज लोग उन पर क्यों विश्वास करेंगे? इसलिए ये जो चुनाव है ये वो अपने आप को बचाने का चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे वो पीडी, अगर उनको इतनी जम्मू कश्मीर के साथ प्यार था जो उन्होंने गुपकार अलायंस बनाया था, उन्होंने तोड़ा क्यों? सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लगे। सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी है जो इस देश को, यहाँ के लोगों को आगे लेकर जाना चाहती है। आज क्या आप समझते हैं कि ये लोग ये बात नहीं समझते हैं कि जब से 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ के हालात कितने सुधरे हैं? आज हम अमन और चैन के साथ रहते हैं, कश्मीर एक भी दिन बंद नहीं हुआ, एक भी पत्थर नहीं चलता है, लोग भाई से भाई को रहते हैं। आज जो 2-3 करोड़ लोग वहाँ टूरिस्ट जा रहे हैं, लोगों का रोज़गार बढ़ रहा है, लोगों को हर फैसिलिटी मिल रही है, क्या आप ये लोग महसूस नहीं करते हैं कि आज लोगों की अपनी हुकूमत आई है? लोगों के मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछता हूँ कि जो लिस्टें निकलती हैं, आज हमारे पूंछ के कितने लोग IPS IAS बने हैं? ये गरीब का, वो गरीब का बच्चा बना है जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता है। चाहे कोई भी लिस्ट निकलेगी वो बिना पैसे के, बिना पार्शलिटी के निकलती है, और हर गरीब का बच्चा सोचता है कि मुझे भी रोज़गार मिलेगा और अपने बलबूते पर मिलेगा। मैं रोकना चाहूँगा, मुख्तार सर एक सवाल है, क्या आपको क्या लग रहा है बीजेपी से जम्मू कश्मीर की आवाम खुश है या नहीं? देखिए, दुखी वो लोग हैं जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई है, दुखी वो लोग हैं जिनकी दुकानदारी चलती थी, आज हर जो पैसा है वो ऑनलाइन आ रहा है, चाहे बेटियों की शादी की बात हो, चाहे और कोई हो। अगर आज जल मिशन के तहत पाइपें लग रही हैं तो वो भी टेंडरिंग हो रही है, ठेकेदार लगा रहे हैं, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज सरकार खुद हमारे घर पर आकर पैसा लगा रही है। आज किसान को पैसा मिलता तो सीधा उसके अकाउंट में आता है, आज हमारी जो पेंशन है वो सीधी हमारे अकाउंट में आती है। लोग तो 5 साल के लिए और फ्री राशन हो गया है, आज लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। तो सर मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, उधमपुर में जो रैली हुई बीजेपी की, आपको पता है एक बहुत बड़ी रैली का ये कहा जा रहा था कि 2 लाख के करीब वहाँ पे लोग जमा होंगे, लेकिन वहाँ पे रैली में सिर्फ 20 से 25 हज़ार लोग देखने को मिले। आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी इस बार 400 पार का नारा जो है वो कम्पीटिट उसमें कर पाएगी या कम्प्लीट हो पाएगा वो? मैं आपके माध्यम से सिर्फ 2 बातें कहना चाहूँगा, जो काम डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किए हैं वो इतिहास के अंदर अगर कोई कर गया तो आप मुझे जब मर्जी पकड़ लेना। कठुआ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, उधमपुर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, किश्तवाड़ के अंदर भी, तीनों ने तीनों रीजन्स को बराबर करके डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जितना डेवलपमेंट और तरक्की का काम किया। आज मुझे आप बता दो IMA, मैं सिर्फ IMA की बात करूँगा, हम सपने में भी नहीं सोचते थे कि जम्मू के अंदर IMA आएगा, हमारे बच्चे अहमदाबाद और कहाँ कहाँ बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर पढ़ने के लिए IMA आ गया, IIT आ गया, 2 एम्स आ गए, नाइट फ्लाइट हमारी शुरू हो गई। कौन सी चीज़ अगर किश्तवाड़ के अंदर एयरपोर्ट आ गया, हर जगह पासपोर्ट ऑफिस खुल गए, वो दूर दराज ऑफिस पोस्ट ऑफिस खुल रहे हैं, हर चीज़ जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लाई है, जो हमारे MP जुगल किशोर शर्मा जी ने लाई है। मैं समझता हूँ परेशानी किनको है, जो लोग जिनकी दुकानदारी बंद हो गई है। वहाँ पे रैली में लोग क्यों नहीं आए ये तो सामने दिख रहे हैं ना। अगर मेरी बात सुनो गुप्ता साहब, वहाँ पे योगी साहब आए वहाँ पे 15,000 के करीब लगभग वहाँ पे एस्टिमेट बताया जा रहा है कि इन्होंने एस्टिमेट बीजेपी की तरफ से 1 लाख का एस्टिमेट था, 15,000 से 16,000 के करीब वहाँ पे लोग आए, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उनसे ज़्यादा रमन बल्ला जी की रैली में जब नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने गए वहाँ पे लोग ज़्यादा उनके साथ थे। तो इससे क्या लग रहा है कि बीजेपी वाकई जम्मू कश्मीर के अंदर ख़त्म हो रही है? या आपको किसने कहा 2 लाख का एस्टिमेट रखा हुआ था या ये कहा हुआ था? देखो मेरी एक बात सुनो, जब राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली आपको पता है कितने लोग उनके साथ चलते थे? सीट एक भी नहीं आई। ये किराए के लोग नहीं थे जो भारतीय जनता पार्टी की रैली में आते हैं। अगर आप देखेंगे राजनाथ सिंह जी की रैली हुई, जो माननीय आदित्य योगीनाथ जी की रैली हुई, अमित शाह जी की रैली हुई, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई, हर रैली अलग अलग जगह हुई और वहीं के लोग थे। ये कोई ऐसा थोड़ा कि आपने देखा होगा पुंछ से एक भी आदमी उसमें नहीं गया, उन्होंने किसी को नहीं बुलाया, वो वहाँ के लिए रैली थी। कल जम्मू के अंदर अमित शाह जी की रैली थी, इतनी बड़ी रैली थी। अगर 2 लाख की रैली होगी, अगर लोगों का एस्टिमेट होगा तो कुर्सी कितनी लगनी चाहिए? 2 लाख लगनी चाहिए, तो उस जगह में 2 लाख कुर्सी लग सकती है। ये जो लोग प्रोपेगंडा करते हैं, इलेक्शन में प्रोपेगंडा चलता रहता है। मैं समझता हूँ कि उधमपुर के अंदर इससे पहले भी 2014 के अंदर भी रैली हुई थी, ये उससे बड़ी और उससे ज़्यादा रैली थी, प्रधानमंत्री जी की रैली थी। आज प्रधानमंत्री जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है और प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया वो पार होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आप दुनिया के किसी भी उम्मीदवार का नॉमिनेशन देख लो, कुछ भी देख लो, इतनी बड़ी गैदरिंग होती है लेकिन वोट नहीं मिलते हैं। वो क्यों नहीं मिलते हैं? भीड़ किराए की भी होती है, भीड़ पैसे की भी होती है, भीड़ इकट्ठी भी की जाती है,
कुछ लोग मुंह देखकर भी आते हैं, लेकिन वो आज लोग वोट जाया नहीं करना चाहते, वो लोग वोट डेवलपमेंट और लोग वोट तरक्की को देते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो लोग देखो ना, प्रधानमंत्री जी ने कौन सा काम नहीं किया, जो काम किया वो सारे पूरे किए हैं। इसलिए लोगों को पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे और जो हमारी जो कमी है उसको पूरा करेंगे। अदुम्बर के अंदर खाली एक जो देवका प्रोजेक्ट आया ना, वो इतिहास के अंदर कोई नहीं सोच सकता था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी उधमपुर के लोगों के लिए भी आएगा। इसलिए मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, एक चीज़ मैं और समझने की कोशिश करूँगा, जहाँ तक बीजेपी की ओर से ये एक नारा दिया जा रहा है अब की बार 400 पार, वहीं दूसरी ओर अपोजिशन ये कह रही है कि 400 पार का नारा आवाम को क्या इस चीज़ का पता है कि ये किस चीज़ का नारा है। और उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि ये 400 का जो नारा है, ये पेट्रोल 400 के पार होगा, डीजल 400 पार होगा, तेल जो है वो 400 पार होगा, हर चीज़ जो है 400 पार होगी। भैया जी सुनो मेरी बात, इस समय पूरी दुनिया की क्या हालत है, इसराइल के अंदर इसराइल उसका युद्ध लगा हुआ है, इसका रशिया का भी युद्ध लगा हुआ है, अब नया युद्ध शुरू होने वाला है ईरान के साथ, उसका हालात पूरी दुनिया के ख़राब है। सिर्फ एक हिंदुस्तान है जहां सब कुछ कंट्रोल के अंदर है। अगर लोगों को मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आज हर चीज़ लोगों के अंदर घर में पहुंच रही है। अगर एक परिवार है उसके अंदर दो बुजुर्ग हैं, उनको 12-12 हज़ार रुपये महीना साल का आ रहा है, 24 हज़ार रुपया वो हो गया, 6 हज़ार रुपया किसका आ रहा है, इसका किसान सम्मान निधि का आ रहा है, एक परिवार में 30 हज़ार रुपया आ रहा है, राशन मुक्त आ रहा है, हर गैस की सब्सिडी आ रही है, तो आप कहाँ लो आज। अब मैं तो जो देखता हूँ कि महंगाई के ऊपर अगर अपोजिशन इतनी अच्छी होती तो महंगाई के ऊपर इलेक्शन करती ना। आज कल उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी के ऊपर पर्सनली अटैक करते हैं, कोई कहता है उनको मार देंगे, कोई कहता है उनको ये करेंगे वो करेंगे। अगर अपोजिशन के पास मुद्दे होते तो फिर ये कांग्रेस वाले किराए के कैंडिडेट लाल सिंह को किराए का कैंडिडेट क्यों लाते, अगर इनके पास इतनी बड़ी जमात है तो ये किराए के कैंडिडेट उठाकर क्यों लाते। इसलिए ये इनके दावों में कोई दम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आने वाले समय में इन दो साल कोविड के गए, जो 5 साल हमारे हुए कोविड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पूरी अर्थव्यवस्था जो ख़राब हो चुकी है, एक हिंदुस्तान के अंदर अगर प्रधानमंत्री जी नहीं होते, फ्री वैक्सीन मिली कि नहीं मिली, बाकी पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पैसा है, आज गोल्डन कार्ड की बात होती है, 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होता है, मुझे बताओ एक गरीब को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। जो आदमी अपना इलाज पूंछ के अंदर ही करा सकता है, आज फोर्टीज़ के अंदर जाकर अपना इलाज कराता है, इससे बड़ी बात क्या होती है। इसलिए मैं आपको दावे के साथ एक चीज़ में और समझने की कोशिश करूँगा, पीर पंजाल के अंदर आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी के साथ कौन सा चेहरा कम्पिटिट कर पाएगा और कौन सा चेहरा बीजेपी के बराबरी चलेगा? देखो जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं वो सभी इस काबिल होती हैं, वो जो चुनाव लड़ती हैं, पीडीपी का अपना कैडर है, एनसी का अपना कैडर है, बीजेपी का अपना कैडर है, डीएपी का अपना कैडर है, जो भी लड़ेंगे वो चुनाव जीतने के लिए। बीजेपी का क्या नजरिया, बीजेपी के साथ कौन सा चेहरा कम्पिटिट कर पाएगा? नहीं मैं समझता हूँ कि वो ये अच्छी फाइट होगी इस सीट के ऊपर, और ये एक वैसे भी 8 सीट बन चुकी है। अब अगर गुलाम नबी साहब लड़ेंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा चेहरा है, वो भी कम्पीट कर सकते हैं, महबूबा मुफ्ती भी करेगी, मियाँ साहब भी करेंगे, मियाँ साहब का भी यहाँ पर एक नाम है, वो भी करेंगे। एक लड़ाई बराबर की होगी, जिसको पीर पंजाल रीजन सपोर्ट करेगा वही जीतेगा।